आज कंप्यूटर बाबा उज्जैन पहुंचे और मंगलनाथ रोड स्थित महाकाल परिसर में साधु संतों के साथ इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को और लोकतंत्र बचाओ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर आज कंप्यूटर बाबा मीडिया से रूबरू हुए और कांग्रेस से बीजेपी में गए उन 25 विधायकों के लिए अपील की कि उन लोगों को जनता को वोट नहीं देना चाहिए जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर बहुमत वाली सरकार को गिराकर बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की है। कंप्यूटर बाबा ने लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम में मीडिया से रूबरू होकर कहा कि बहुमत की सरकार को गिराने वाले गद्दार हैं, इन्होंने देश प्रदेश और लोकतंत्र से गद्दारी की है। उन्होंने जो कृत्य किया है वह संत समाज आम लोगों के सामने रखेगा। आने वाले उपचुनाव में सभी साधु संत घर घर जाकर कार्यक्रम करके इनका काला चिट्ठा उजागर करेंगे। वहीं इंदौर में चल रही जमीन नपती को लेकर उन्होंने कहा कि जमीन तो क्या जान भी जाएगी तो दे देंगे, लेकिन संविधान बचाकर रहेंगे। हमने 16 आश्रम बनाए हैं, आप चाहे तो सब तोड़ दीजिए। कंप्यूटर बाबा ने बीजेपी सरकार पर कोरोना फैलाने का भी आरोप लगाया। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट। आपने जो काम किया कृत्य किया है, आपका काला चेहरा पूरा संत समाज समाज के सामने रखेगा। हम संत समाज आप सबसे कहना चाहते हैं कि आपने वोट को बेचा है, आपने मतदाता को बेचा है, आप खुद बिके हैं, आपने गद्दारी की है, आपने बिकाऊ लाल है, आप बिके हैं। और खरीदने वाले को भी मैं कहना चाहता हूं, यदि आपके आपकी विचारधारा को वोट देते, जनता ने विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा को वोट दी थी, कमलनाथ को वोट दी थी, ना कि शिवराज को। यदि 15 साल तक शिवराज सरकार को वोट देते रहे, शिवराज को वोट देते रहे, शिवराज की विचारधारा को वोट देते रहे, इस बार नहीं दी।